सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका कार यूनिवर्सिटी की एक नई वीडियो में। आज हमारे पास है किया कारेंस का बेस वेरिएंट, और बेस वेरिएंट की सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो व्हाइट कलर में हमारे पास पेट्रोल में बेस वेरिएंट है, मैनुअल में है, लेकिन इसका बेस वेरिएंट दो इंजन ऑप्शंस के साथ आता है, एक टर्बोचार्ज एक नॉन टर्बो। तो ये टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ आपके सामने खड़ी हुई है। 11,55,000 रुपये इसकी एक शोरूम प्राइस है, और नॉन टर्बो प्रीमियम वेरिएंट इसका 10,20,000 रुपये की एक शोरूम प्राइस में मिलता है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत बहुत डिमांड बढ़ रही है किया कारेंस के बेस वेरिएंट की, क्योंकि बेस वेरिएंट में ही ऐसे ऐसे फीचर्स किया ऑफर करती है कारेंस में, जो कि बाकी इस सेगमेंट की कई गाड़ियों में नहीं देखने को मिलते। एक्सटीरियर में आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आपको शाइनी ब्लैक कलर में आपको ये एलिमेंट मिलेगा, जो कि टॉप मॉडल में आता है। सेम वैसे ही आपको ये वाला पार्ट मिलने वाला है। किया का लोगो सिल्वर सार्टन फिनिशिंग के साथ है। हेडलैम्प्स देखोगे तो यहाँ पर हेलोजन हेडलैम्प सेटअप है, लेकिन इनका थ्रो और हेडलाइट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। इंडिकेटर है आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर टॉप मॉडल में DRL आती है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपली ब्लैंक है। नीचे फॉग लाइट नहीं आती इसमें। सिल्वर सार्टन फिनिशिंग के साथ स्किड प्लेट ज़रूर मिल जाती है सामने बम्पर पे, और बम्पर की ग्रिल भी आप देख सकते हो, हनीकॉम ग्रिल की तरह दिखने वाली ग्रिल है। डायमेंशंस की बात करूँ तो 4,540 mm इसकी लेंथ है, विड्थ के मामले में 1,800 mm की है, और व्हील बेस 2,780 mm का इसमें ऑफर किया जाता है। और इसके टायर्स प्रोफाइल भी देख लेते हैं। 205/65R16 16 इंच के यहाँ पर हमें टायर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, देखते हैं पीछे भी डिस्क ब्रेक है कि नहीं। तो जी हाँ, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे बेस वेरिएंट से ही, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर फ्यूल कैप मिलेगी, 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर में मिल जाएंगे, बी पिलर पूरा ब्लैक्ड आउट है, ORM बॉडी कलर में ही मिलेंगे बेस वेरिएंट होने के बावजूद, लेकिन इंडिकेटर आपको फेंडर पे मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा मिलता है कारेंस में, 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। साइड में बॉडी क्लाइडिंग मिल जाएगी, जो कि ब्लैक कलर में रहने वाली है कुछ इस तरह से। इसका रियर प्रोफाइल देखोगे तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि इसकी LED टेल लाइट्स तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इनमें जो डिज़ाइनिंग यूज़ की गई है वो टॉप मॉडल वाली ही रहने वाली है, और आप देख सकते हो कि बहुत शानदार लगती है ये। TGDI की बैजिंग मिलेगी आपको, टर्बो GDI इंजन पेट्रोल इंजन इसमें इस्तेमाल किया है। कारेंस की बैजिंग इस तरफ मिल जाएगी, जो कि सिल्वर सार्टन फिनिशिंग के साथ है, क्रोम में नहीं है। किया का बड़ा सा लोगो मिलता है। नीचे यहाँ कैमरा वगैरह कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अंदर म्यूजिक सिस्टम और स्क्रीन नहीं है, क्योंकि बेस वेरियंट है। और रियर पार्किंग सेंसर्स आपको 4 मिलेंगे, रिफ्लेक्टर्स भी है, और पूरा ब्लैक कलर का बम्पर यहाँ पर रहने वाला है। डिफॉगर इसमें नहीं मिलता, वाइपर नहीं मिलता, लेकिन स्पॉयलर ज़रूर मिल जाता है, स्टॉप लैम्प के साथ है, और ऊपर एंटेना के लिए भी जगह है, एंटेना भी आपको मिल जाएगा। ऊपर रूफ रेल्स भी मिसिंग है। बूट स्पेस देखते हैं कितना मिलता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो इसका बूट स्पेस, ऊपर आपको क्लाइडिंग वगैरह मिल जाएगी, और इस तरह से इसकी रियर सीट्स है। थर्ड रो की सीट्स डाउन होने पर 645 लीटर का बूट स्पेस बन जाता है। थर्ड रो में क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर दोनों साइड आपको बॉटल होल्डर मिल जाएंगे, देख सकते हो आप, बॉटल होल्डर दोनों साइड है। टाइप सी में आपको चार्जिंग पोर्ट दोनों साइड मिल जाएंगे, बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी इनका ख्याल रखा गया है। दोनों रो में आपको रूफ माउंटेड AC वेंट्स मिलेंगे, लाइट्स भी यहाँ पर भी है, येलो कलर की है, लेकिन लाइट्स मिल जाती है। और देखते हैं कि हेडरेस्ट एडजस्टेबल है कि नहीं थर्ड रो में, तो इनको खींचने के लिए इस तरह से तो हेडरेस्ट भी यहाँ पर एडजस्टेबल मिल जाते हैं। थर्ड रो के हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल है, और थर्ड रो अप होने के बाद 216 लीटर का बूट स्पेस बच जाता है, तो अच्छी खासी जगह है। 4-5 बैग यहाँ पर आराम से आ जाएंगे, इतनी जगह है, मैं आराम से बोल सकता हूँ। और ये रिक्लाइन हो जाती, कितनी कहाँ तक रिक्लाइन हो जाती है ये सीट्स, तो वो भी देख लीजिए। मतलब थर्ड रो में भी आपको आरामदायक सीटिंग मिल जाएगी, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा रिक्लाइन हो चुकी है अब ये सीट, और कितनी जगह आगे मिल रही है। चलिए ऐसे करते हैं बंद, और अब बढ़ते हैं इंटीरियर की ओर बढ़ते हैं, और इंटीरियर आपके साथ शेयर करते हैं इसका। पहले तो आप इसका डोर पैनल देख सकते हो, सिल्वर सैटन फिनिशिंग के साथ ये पैनल मिल रहा है। डोर ओपनर भी सिल्वर कलर में है, ब्लैक कलर में आपको ये वाला पैनल मिलेगा, और चारों के चारों पावर विंडोज़ आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। विंडोज़ लॉक करने के लिए बटन है, और लॉक ऑन के लिए सेंट्रल लॉकिंग भी इसमें मिल जाएगी। और यहाँ पर जो ORM है वो यहाँ से कंट्रोल करोगे, आपको मैन्युअली ही एडजस्ट करने पड़ेंगे, और फोल्ड भी हाथ से ही करने पड़ेंगे, क्योंकि बेस वेरिएंट है आप, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन
रुकिए, बहुत से ऐसे फीचर है जो बेस वेरिएंट में नहीं होने चाहिए थे लेकिन यहाँ पर मिल रहे हैं। बॉटल होल्डर, आपको 2 बॉटल्स आ जाएंगी, इतनी जगह है आराम से, और थोड़ी बहुत जगह यहाँ पर स्मार्टली दी गई है। और ये हार्ड प्लास्टिक में है, लेदर वगैरह नहीं है, यहाँ पर सब कुछ हार्ड प्लास्टिक में है। स्पीकर के लिए जगह है, स्पीकर्स नहीं है यहाँ अंदर। यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी सीट जो ड्राइवर साइड सीट जो है वो हाइट एडजस्टेबल है। बेस वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट कारेंस में मिल जाती है। और क्या मिलता है बेस वेरिएंट में, तो 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सीट्स पे एयरबैग्स, ऊपर यहाँ पर भी एयरबैग्स, फ्रंट में तो एयरबैग्स है ही, मतलब 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिल जाएंगे इसके सारे वेरिएंट्स में। और क्या मिल रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर लेदर की सीट्स, लेदर सीट्स मिल जाएंगी, ब्लैक कलर की लेदर सीट्स है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है आगे के, और फ्यूल कैप ओपन करने के लिए यहाँ पर नॉब है, और बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पर है। हेडलाइट लेवलिंग के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन भी है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है। अभी इसका इंटीरियर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इंटीरियर में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी लेकिन दिया है किया ने दिल बड़ा करके। तो स्टीयरिंग देखोगे तो स्टीयरिंग भी इसका बहुत प्रीमियम साइड पे चला जाता है, ग्लॉसी कलर का यहाँ पर ब्लैक एलिमेंट यूज़ किया है। इस साइड आपको MID कंट्रोल करने के लिए दिए है बटन्स। इसकी चाबी मैं आपको दिखाता हूँ, चाबी दिखाना तो भूल ही गया था, इसकी चाबी देखते हैं। तो चाबी आपको कुछ खास नहीं मिलती, कुछ इस तरह की चाबी आपको देखने को मिलेगी, नॉर्मल सी चाबी है। अब बाद में सेंट्रल लॉकिंग वगैरह लगवा सकते हो क्योंकि इसमें सेंट्रल लॉकिंग दी गई है। हाँ, तो चाबी इंसर्ट करते हैं यहाँ पर। फुल्ली डिजिटल MID है इसका। आपको यहाँ पर स्पीड शो होगा, यहाँ पर RPM शो होगा, आउटसाइड टेम्परेचर शो हो रहा है, किलोमीटर शो हो रहा है, कूलन टेम्परेचर शो हो रहा है। इस साइड फ्यूल गेज भी है जो कि डिजिटल ही है सारा। बीच में आपको रियल टाइम एवरेज, मतलब ये देख सकते हो आप 14.6 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज शो कर रहा है। और ये पेट्रोल वेरिएंट है, पेट्रोल में 14.5 की एवरेज दे रहा है, तो अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और बीच में टाइम दिखा रहा है और डिस्टेंस टू MT, मतलब कितना किलोमीटर चली गई है फ्यूल में, तो वो शो होता है। वार्निंग लाइट्स वगैरह सब यहाँ पर है, और स्पीड और RPM मीटर इस तरह से एनिमेशन के साथ आता है जो दिखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। स्टीयरिंग व्हील बहुत शानदार तरीके से डिज़ाइन किया है, ड्यूअल कलर में है, अगेन सिल्वर एंड ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ है। इस साइड MID के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, आप उनके सारे चेंज वगैरह कर सकते हो MID। स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट देखोगे तो यहाँ पर आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलेगी, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ नहीं आता। वाइपर्स मैनुअल है, उसके कंट्रोल्स यहाँ पर है। हेडलैम्प्स वो भी मैनुअल है, उसके कंट्रोल्स यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर पूरा प्लेन आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर खासियत क्या है, तो यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं देना था, और जिनको भी बाहर से नहीं छिड़वानी गाड़ी, ऐसे ही रखनी है, उनके लिए भी स्मार्ट यहाँ पर स्टोरेज किया है किया ने। यहाँ पर आप फ़ोन रख सकते हो, और फ़ोन की तार यहाँ वहाँ लटके ना, इसलिए यहाँ से जगह दी गई है, यहाँ से फ़ोन की वायर नीचे से आएगी और यहाँ से आप फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, और यहाँ पर मोबाइल रख सकते हो। इतना स्मार्ट स्टोरेज किया ने यहाँ पर दिया है। यहाँ पर आप 10 इंच की स्क्रीन वगैरह आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। उसके बाद नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको हज़ार्ड का बटन मिलेगा। AC वेंट्स का डिज़ाइन इस तरह से है कि आपको पता नहीं चलता कि AC वेंट्स कहाँ है इसमें, इस तरह से प्लेस किया है इसका AC वेंट्स, बहुत स्मार्टली इसका डिज़ाइन किया है। और उसके नीचे आपको मैनुअल AC मिलेगा विद हीटर, इस तरह से सारे बटन्स दिए गए हैं। कूलिंग वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, प्लेसिंग भी यहाँ से एडजस्ट कर पाओगे। हिल डिसेंट कंट्रोल दिया है, ये बहुत बड़ी बात है, हिल डिसेंट कंट्रोल बेस वेरिएंट में ही मिल रहा है आपको। चार्जिंग के लिए टाइप सी आउटलेट है, 12 वोल्ट का सॉकेट है, 120 वैट का, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। नीचे मोबाइल रखने के लिए जगह है, टॉप मॉडल में यहाँ पर वायरलेस चार्जर आता है लेकिन ये वो यहाँ पर मिसिंग है। गेयरबॉक्स आपको 6-स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स मिलता है प्रीमियम में, और इस वेरिएंट में ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। हैंडरेस्ट आपको सॉफ्ट टच में मिलेगा जो कि लेदर की फिनिशिंग के साथ है। हैंडरेस्ट मिल रहा है, आर्मरेस्ट मिल रहा है आपको इस वेरिएंट में ही, वही बड़ी बात है। इसके अंदर आपको स्टोरेज मिलेगी चाबी वगैरह रखने के लिए, और अंदर भी यहाँ पर स्टोरेज है, और ये फिक्स है, एडजस्टेबल नहीं है। सेंटर कंसोल की सारी बातें हो गई, हैंड ब्रेक इस तरह से मैनुअल मिलेगा। ग्लो बॉक्स देखते हैं, तो ग्लो बॉक्स में आपको स्टोरेज मिलेगी थोड़ी बहुत, और ये कूल्ड नहीं है, नॉर्मल ग्लो बॉक्स है। यहाँ पर सेंटर स्पीकर के लिए जगह है लेकिन स्पीकर्स नहीं है। मैनुअल IR में मिलता है, इस तरह से एडजस्ट कर पाओगे। लाइट्स के साथ है, येलो कलर की लाइट्स है लेकिन लाइट्स मिल रही है।
टिकट होल्डर है इस साइड और इस साइड मिरर मिल जाता है। हैंडल्स आपको सारे साइड्स पे मिलेंगे सिवाय ड्राइवर साइड के। अब चलते हैं इसके रियर में और आपको दिखाते हैं रियर सिटिंग स्पेस कितना मिलता है। तो यहाँ पर आप रियर में देखोगे तो रियर का डोर बहुत ही बड़े साइज का डोर है कारेंस का, और यहाँ पर भी सॉफ्ट टच नहीं है, पूरा हार्ड प्लास्टिक में रहने वाला है। स्पीकर के लिए जगह है, बॉटल होल्डर, दो बॉटल आ जाएंगी, इतनी स्पेस है। यहाँ पर सिल्वर साटन फिनिशिंग के साथ है, पावर विंडो के बटन्स है और स्टोरेज यहाँ पर भी दी गई है हैंड रेस्ट के नीचे। बाकी सीटिंग तो बहुत बड़े साइज़ की, विड्थ 1800 mm की है तो उसके हिसाब से यहाँ पर सीटिंग दिखाई देती है। बहुत बड़ी जगह है यहाँ पर, और हेडरेस्ट एडजस्टेबल है इसके, दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं और वो एडजस्टेबल है। लेकिन यहाँ पर इसमें हैंडरेस्ट भी मिल रहा है आपको बीच में, जिसके अंदर दो कप होल्डर्स है। फिलहाल ये पैक है, रैप है पूरा, तो इसलिए मैं दिखा नहीं सकता, और ये भी हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। सीट्स की फिनिशिंग आप देख सकते हो, ब्लू एंड ब्लैक कलर का। यहाँ पर लेदर्स की सीट्स आपको मिल जाएंगी इसमें। सेंटर में आपको दो टाइप सी में चार्जिंग आउटलेट मिलेंगे पीछे के लिए, और एसी के लिए अलग से नॉब दिया है, एसी वेंट्स का है, तो वो ऊपर आपको मिलेंगे आपके सर के ऊपर, मतलब छत पर माउंटेड है एसी वेंट्स। लाइट्स भी सेकंड रो के लिए है, और उसके नॉब यहाँ पर है एयर फ्लो कंट्रोल करने के लिए। हुक्स के साथ इस तरह से आपको हैंडल्स मिलेंगे दोनों साइड, और स्पेस ये सीट मेरे हिसाब से आगे के एडजस्ट है, और स्पेस आप देख सकते हो क्लियरली, बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पर मुझे मिल रहा है। आगे की सीट्स में पॉकेट भी है दोनों साइड में, और बीच में हम भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब यहाँ पर तीन लोग आराम से बैठ पाएंगे, इतनी जगह है। और ये सीट में आपको टंबल करके दिखा दूँ कि वन टच टंबल है कि नहीं। चलिए दूसरी साइड चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक बटन है। पहले तो मैं इसका हेडरेस्ट नीचे कर लेता हूँ। आप देख सकते हो ये टंबल के लिए बटन है, ये दबाता हूँ। हाइड्रोलिक्स लगे है, उसकी सहायता से वन क्लिक में ये सीट पूरी टंबल हो जाएगी। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई मेहनत नहीं लेनी, उसके बाद आप पीछे जा पाओगे। और रिक्लाइनर देखिए कितनी ज़्यादा है, मतलब आरामदायक सीट से इसके थर्ड रो में भी, तो रिक्लाइन बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आपको एसी वेंट्स भी मिलेंगे ऊपर, एंड चार्जिंग के लिए पॉइंट्स भी है, मतलब थर्ड रो में भी आपको आरामदायक सीट्स मिल जाती है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए बोनट ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं पेट्रोल इंजन कौन सा। और पेडल्स आपको नीचे तीनों के तीनों मिल जाएंगे, डेड पेडल के साथ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1.4 लीटर का आपको टर्बोचार्ज जीडीआई पेट्रोल इंजन इसमें मिलता है। 138 bhp पावर प्रोड्यूस करता है और 242 nm का पीक टॉर्क मिलता है। नॉर्मल प्रीमियम वेरिएंट जो आता है विदाउट टर्बो, वो 114 bhp पावर प्रोड्यूस करता है, और डीजल में भी 114 पावर प्रोड्यूस करता है। दोनों इंजन बहुत ही अच्छे रिफाइंड इंजन है, और दोनों के दोनों आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाते हैं। माइलेज की मैं बात करूँ तो पेट्रोल में आपको एक लगभग 17 km/h का माइलेज देती है, और डीजल में आपको 20 km/h का माइलेज देने वाली है। जैसे कि ABS यूनिट, EBD यूनिट, ESP सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ लोडेड है। 4 डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे और 6 एयरबैग्स भी मिलते हैं। नॉइस इंसुलेशन के लिए यहाँ पर कोई कुछ दिया नहीं है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, बहुत शांत इंजन है, रिफाइंड इंजन है, 4 सिलेंडर है, तो कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। इसके बेस वेरियंट मतलब प्रीमियम के मैं प्राइजेस एक बार बता देता हूँ, पेट्रोल के भी, डीजल के भी, टर्बो वेरिएंट के भी। नॉन टर्बो प्रीमियम वेरिएंट है इसका 10,20,000 रुपये के एक शोरूम प्राइस के साथ, और टर्बो प्रीमियम वेरिएंट की प्राइस है 11,55,000 रुपये, और डीजल प्रीमियम की एक शोरूम प्राइस है 12,15,000 रुपये। और आपको ऑन रोड प्राइसिंग जाननी होगी तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए, और गाड़ी भी अवेलेबल होगी तो मिल भी जाएगी जल्दी। बाकी आपको गाड़ी कैसे लगी, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो आपको किस गाड़ी पर चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि आपके लिए हम लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की एक बेहतरीन गाड़ी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर।